बिहार के भागलपुर में ANM बहाली में प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर दो कर्मी को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। मामला सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। मामला उजागर होने के बाद सदर अस्पताल सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद दोनों कर्मियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों कर्मी सदर अस्पताल भागलपुर सिविल सर्जन के कार्यालय में ही काम करता है। दोनों आरोपी स्टोनो रविशंकर और प्यून राजेंद्र से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि भागलपुर सदर अस्पताल में ANM बहाली को लेकर प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। अस्पताल के कर्मी इसी का फायदा उठाकर वसूली करते हैं। दरअसल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने को लेकर घूस मांगे जाने पर एक छात्रा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी शिकायत की गई थी, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने गुरुवार को सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की तो दो कर्मी को घूस लेते पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास 15,000 रुपये नकद बरामद किए गए। पकड़े गए स्टोनो रविशंकर और प्यून राजेंद्र ने प्रमाण पत्र बनाए जाने के बदले पैसे लेने की बात कबूल कर ली है, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारियों के ने दोनों को तिलका मांझी थाने के हवाले कर दिया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा के द्वारा थाने में मामला भी दर्ज कराया जा रहा है। कहा कि दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अस्पताल के कर्मियों में हड़कंप मच गया है। वहीं यह भी चर्चा हो रही है कि सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मी वसूली कर रहे थे, पर ये किसी के भनक तक नहीं लगी। मैं ताकि लोगों को कुछ पैसा दे रहा था उसमें तो वही लिख के दी। अभी दी है दो तीन लड़की लिख के दिए कि हमसे पिछाई मंगाया जा रहा था, इसे संदर्भ में FIR नंबर हो रहा है। क्या सर उसके पास से पैसा मिला? सर जैसे हम लोग कर रहा है 15,250 रुपये मिला। अच्छा 15,250 रुपये मिला। ये सदर अस्पताल के लिपिक थे सर? तीनों आदमी हुआ सदर अस्पताल के लिपिक ही नहीं थे? नहीं स्टोनो थे। स्टोनो और कर्मचारी प्यून थे सर? स्टोनो प्यून। क्या नाम था सर दोनों का? रवि बाबू और एक राजेंद्र। तीसरे बार हम लोग पता लगा रहे हैं कौन कौन था। सर आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी सर? प्राथमिक दर्ज कराई जाएगी। देखिए मतलब कुछ लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें जो संबंधित शाखा के जो लिपिक हैं उनके द्वारा कुछ अवैध वसूली की जा रही है, तो उसी जो कंप्लेनेंट थे तो उसी के आलोक में जांच की गई और जांच में वो पाया गया कि वो कुछ अवैध वसूली कर रहे थे, तो उन लोगों को थाना को सपोर्ट कर दिया गया है और साथ ही में जो पैसे बरामद किए गए हैं वो भी जबकि उसकी बना के थाना को दे दिया गया और सिविल सर्जन साहब के स्तर से उनके FIR कराया गया। क्या नाम था उनका सर जो पकड़ा है? जो संबंधित लिपिक है नाम तो मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तीन लोग हैं लिपिक हैं, एक और एक प्यून है और एक जो कंप्यूटर असिस्टेंट है। कंप्लेन आया हुआ था कि जो ANM की भर्ती के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है उसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय में 1,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उसी कंप्लेन को वेरीफाई करने के लिए एक कैंडिडेट के साथ मैं गया था और जब ये वेरीफाई हो गया तब अकॉर्डिंगली SDO और SHO जो थे संबंधित उनको सूचित कर दिया गया कि यहाँ रेड करके जब्त करते हुए सारे पैसों को FIR करेंगे। कितने लोग थे जो लिपिक? चैम्बर में उस समय 3 लोग थे जब मैं गया था। गिरफ्तारी? हाँ गिरफ्तारी 2 लोगों की हो गई है, बाकी जिनको भी चिन्हित किया गया है उन सभी पे नाम दर्ज FIR होगा। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। बिल इससे बचना पाए कोना कोना ये सजाए वाह कॉन्ट्रैक्टर टाइम भी देखो कम लगाए घर की शान बढ़ती जाए वाह कॉन्ट्रैक्टर बस फिनिश नहीं मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं वाह कॉन्ट्रैक्टर वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर वाह कॉन्ट्रैक्टर।